हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, 83 मूवी बात थी पहले 18 जनवरी को आएगी, फिर बात थी 25 फरवरी को आ गई, लेकिन दोस्तों 25 फरवरी 18 जनवरी सब निकल गई है, आज तक 83 मूवी नहीं आई है, नेटफ्लिक्स पर भी नहीं आई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी नहीं आई। आखिर क्यों, क्या ये मूवी नेटफ्लिक्स में सच में आने भी वाली है, क्यों नहीं आने वाली या आएगी नहीं, सब कुछ मैं इस अब वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया इस 83 फिल्म को लेकर, क्योंकि मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ 83 मूवी अब आने वाली है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर मूवी आती नहीं है तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमारा भी नाम खराब होता है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि क्या रीजन से नहीं हो रही है और दोस्तों ये मूवी आने वाली है भी या नहीं, इसका क्या कारण है, सब कुछ बता दूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, जब 83 मूवी आई थी तो उस टाइम पुष्पा फिल्म भी लगी हुई थी थिएटर्स में, तो सीधी सी बात है कि लोग पुष्पा को ही देखने जाएंगे, 83 को क्यों देखने जाएंगे। तो इसी वजह से 83 मूवी को जितनी कमाई होनी चाहिए थी बॉक्स ऑफिस में उतनी हुई नहीं थी, तभी इस शो को, इस फिल्म को रिलीज किया जाना था नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में। अब दोस्तों डील तो हो चुकी थी 83 प्रोडक्शन हाउस के बीच और इन दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच में कि फिल्म को रिलीज कर देंगे, बट अभी तक कर क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनकी डील टूट चुकी है? दोस्तों इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है कि डील टूट चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जलोचा जरूर हुआ है, तभी दो दो डेट्स निकालने के बाद भी ये फिल्म को रिलीज नहीं कर रहे वो लोग। शायद उनको लगा हो कि फिल्म फ्लॉप होगी, कौन ही लोग OTT में देखेंगे, बट उनको क्या पता कि कितने सारे लोग अभी भी एक्साइटेड है 83 फिल्म को OTT में देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी तो लोग देखने नहीं जा पाए थे। दोस्तों अब ना मुझे बिल्कुल गट फीलिंग आ रही है कि शायद इस फिल्म को ये लोग OTT पर रिलीज करेंगे तो अभी भी बहुत लोचा होने वाला है। तो अभी आप जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आने वाली प्रॉपर नेटफ्लिक्स की तरफ से किसी और सोर्स पे, मैं भी बिलीव नहीं करूंगा, आप भी मत करना। दोस्तों मुझे तो आप ऐसा ही लग रहा है कि इस फिल्म को शायद ये लोग डायरेक्टली टीवी पे स्टार गोल्ड या फिर मैक्स कहीं पर रिलीज कर देंगे और OTT पर पता नहीं कब करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, शायद थोड़ा टाइम और लग सकता है, कुछ जरूर चल रहा होगा तभी इस फिल्म को इतना डिले किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई अपडेट निकल कर आएगी तब मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए यही है कि 83 मूवी एनी टाइम सून नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल डेट दोबारा से नहीं आई है, पहली 25 फरवरी को थी जो कि जा चुकी है। तो दोस्तों अभी आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, कोई और मूवी देख लीजिए, बहुत सारी मूवीज अच्छी अच्छी आ जाएगी, लेकिन 83 के ऊपर जैसे मेरे पास कुछ भी और अपडेट ऑफिशियली निकल के आ गई तभी मैं आपको बताऊंगा, कोई और अन्य सोर्स पे इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों अभी जो लोग हवे में बहुत कुछ बात बोल सकते हैं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।